आप देख रहे हैं ऑटो टैक्स जोन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं अपकमिंग हिमालयन के बारे में। अभी एक दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉयल एनफील्ड अपनी एक नए हिमालयन के ऊपर टेस्टिंग कर रहा है। आपको वीडियो में मैंने इमेजेस भी शो की थी दोस्तों, और इमेजेस के थ्रू जो भी डिटेल सामने आ रही थी उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दिया था कि आने वाली इस हिमालयन में क्या क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं। दोस्तों अब अपकमिंग हिमालयन की एक नई इमेज और सामने आई है, या आप कह सकते हैं जो क्ले मॉडल होता है उसकी एक इमेज सामने आई है, और इस गाड़ी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इन्हीं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के बारे में, और जो क्ले मॉडल की पिक्चर सामने आई है वो आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए दोस्तों। तो ये इमेज दोस्तों काफी क्लियर नजर आ रही है। इससे पहले जो टेस्टिंग करते हुए इमेज हमारे सामने आई थी वो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन ये जो क्ले मॉडल की इमेज है दोस्तों ये काफी क्लियर नजर आ रही है, और काफी ज्यादा डिटेल इस इमेज के थ्रू हमें नजर आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। तो खबरें ऐसी आ रही है, कहां ऐसा जा रहा है, इस गाड़ी में आपको करंट हिमालयन वाला सेम इंजन मिलने वाला है। वही 411 सीसी का इंजन आपको इस गाड़ी में दोस्तों मिलने वाला है। दोस्तों इंजन में तो कुछ चेंज नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि कंपनी के द्वारा इस इंजन को रिट्यून किया जाए। दोस्तों अगर बात करें इस बाइक के डिजाइन के बारे में, वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में काफी कुछ बता दिया था, लेकिन आज के वीडियो में बात करेंगे जो और नई चीजें निकल के आई हैं। लेकिन आज जो इमेज सामने आई है उससे कुछ और डिटेल सामने निकल कर आ रही है, तो दोस्तों आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो इमेज है ये एक क्ले मॉडल की है। कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट तैयार करती है वो तो वो सबसे पहले दोस्तों ग्राफिकली डिजाइन होता है, और उसके बाद कंपनी उस प्रोडक्ट को एक स्केल मॉडल के तौर पर तैयार करती है। तो ये वही स्केल मॉडल की दोस्तों पिक्चर हमारे सामने है। इस बाइक में आपको वो ऑफ रोडिंग एलिमेंट दोस्तों नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर बात करें हम दोस्तों डिजाइन की, तो आप डिजाइन में देख रहे होंगे फ्रंट में आपको काफी कुछ चेंज मिलने वाला है। फ्रंट में जैसा कि मैं आप लोगों को दोस्तों अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, हेडलाइट में आपको काफी चेंज इसमें दिख रहा होगा दोस्तों, और यहाँ आपको फ्रंट में विंड स्क्रीन भी देखने को दोस्तों नहीं मिल रही है। गाड़ी की हेडलाइट के डिजाइन में भी दोस्तों आपको चेंज नजर आ रहा होगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अभी तक कोई क्लियर इमेज सामने नहीं आई है, इस वजह से उसके बारे में अभी तक कोई ज्यादा जानकारी दोस्तों मिली नहीं है। अगर बात करें दोस्तों हम फ्रंट टायर के बारे में, तो फ्रंट टायर का साइज को भी दोस्तों अब घटा दिया गया है। अभी तक हिमालयन में आता था फ्रंट में 21 इंच का टायर, और अपकमिंग हिमालयन में आपको मिलने वाला है दोस्तों 19 इंच का टायर। रियर टायर का साइज दोस्तों सेम होने वाला है, रियर में आपको एज इट इज 17 इंच का टायर आपको मिलेगा दोस्तों। दोस्तों फ्रंट टायर के साइज को इसलिए चेंज किया है ताकि आप इसको टर्मैक रोड पे और इजीली चला सके, और चलाने में आपको और ज्यादा कंफर्टेबल इस गाड़ी से दोस्तों मिल सके। दोस्तों अभी तक हिमालयन में आपको 21 इंच का टायर मिलता था। आपने और भी एडवेंचर बाइक देखी होगी जिसमें फ्रंट टायर हमेशा दोस्तों बड़ा ही होता है। फ्रंट टायर एडवेंचर बाइक में बड़ा इसलिए रखा जाता है क्योंकि आपको ऑफ रोडिंग करने में बड़े टायर से दोस्तों काफी ज्यादा मदद मिलती है, और आप इजिली अपने ऑफ रोडिंग के पैचेस को क्लियर कर लेते हैं। जो फ्रंट में 21 इंच का जो व्हील होता है दोस्तों एक पर्पस के तौर पर वो लगाया जाता है। तो दोस्तों अब कंपनी ने अपनी नई हिमालयन में बदलाव करते हुए फ्रंट में 21 के जगह 19 इंच का टायर के साथ अपनी नई हिमालयन को दोस्तों कंपनी लेकर आ रही है। अगर बात करें दोस्तों हम पेट्रोल टैंक की, तो पेट्रोल टैंक आपको एज इट इज सेम हिमालयन वाला मिलने वाला है। अगर हम बात करें दोस्तों पेट्रोल टैंक पे साइड पैनल की, तो इस बाइक में आपको जेरी कैन के लिए माउंट दोस्तों नहीं मिलने वाला है। आप देख सकते हैं वहां पे जेरी कैन माउंट की जगह आपको एक प्लास्टिक का ही पैनल देखने को मिल रहा है, जिसमें 411 की बैजिंग आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफिक्स मिलने वाली है। इस बाइक में आपको जेरी कैन माउंट के लिए कोई भी पैनल यहाँ पे दोस्तों नहीं मिलने वाला है। अगर बात करें दोस्तों हम सीट के बारे में, तो आप क्ले मॉडल में इजिली देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक सिंगल सीट मिलने वाली है। अभी तक आपको हिमालयन में एक स्प्लिट सीट मिलती थी, लेकिन अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सिंगल सीट मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर बात करें हम रियर सेक्शन की, तो रियर सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लगेज माउंट नहीं मिलने वाला है। आप देख सकते हैं लगेज माउंट की जगह आपको वहां पे एक सिंपल सी ग्रैब रेल नजर आ रही होगी। तो रियर में आपको ये बदलाव दिखने वाला है, यहाँ पे आपको लगेज कैरियर माउंट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों हम इसके टेल सेक्शन की या टेल लाइट की, तो वहां भी आपको डिजाइन में काफी मिनिमल चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्ले मॉडल को देख कर, तो अभी तक जो जानकारी सामने निकल के आई है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अभी तक जो इस डिजाइन के साथ चेंजेस नजर आ रहे हैं वो मैंने आप लोगों को दोस्तों बता दिया है। जो भी डिटेल सामने आई है वो आप लोगों के साथ मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है। दोस्तों इस गाड़ी के लॉन्च डिटेल के बारे में भी कुछ न्यूज निकल के आ रही है, उसके भी कुछ र्यूमर्स सामने आ रहे हैं। कहा ये जा रहा है दोस्तों क्लासिक 350 के लॉन्च के बाद कंपनी इस गाड़ी को लॉन्च करने वाले हैं। तो रूमर्स कुछ ऐसे आ रहे हैं दोस्तों कि इस साल के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी इस बाइक को लॉन्च कर सकती है, या आप कह सकते हैं एंड ऑफ द ईयर में कंपनी अपनी अपकमिंग हिमालयन को दोस्तों लॉन्च कर सकती है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि कंपनी ने अपने हिमालयन में ये सब बदलाव क्यों किए। दोस्तों आप लोगों को बताएं कि आजकल इंडिया में एडवेंचर बाइक का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है,
और मार्केट में ऑलरेडी काफी ज्यादा ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों एडवेंचर बाइक के। कुछ टाइम पहले तक हिमालयन मार्केट में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन था दोस्तों एडवेंचर बाइक का, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। मार्केट में और भी ज्यादा कंटेंडर, और भी ज्यादा ऑप्शन आ चुके हैं जो कि हिमालयन से भी ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन बन चुके हैं दोस्तों। तो शायद यही रीजन है कि कंपनी अपने हिमालयन का एक अफोर्डेबल मॉडल मार्केट में काफी जल्दी लाना चाहती है। तो दोस्तों अभी तक यही सब इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी अपकमिंग हिमालयन के बारे में, तो अब देखना यह रहेगा कि कंपनी अपनी अपकमिंग हिमालयन को कब लॉन्च करती है। तो इन फ्यूचर इस बाइक के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन आती तो दोस्तों डेफिनेटली आपको मेरे चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मेक श्योर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइल।